हाँ, और जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है डिफरेंशिएशन। तो आज का टॉपिक है, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन फिर इंटरनल का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पास क्या पहला फॉर्मूला है, इसमें हम करते क्या है, एक्स के ऊपर कोई भी पावर हो, लेट से एक्स के ऊपर आपने लिखा फाइव लिख लिया, थ्री लिख लिया, इट मीन थ्री पहले आ जाएगा एक्स थ्री माइनस वन इंटरनल का डेरिवेटिव, यानी ये वाला एक्स जो है ये दोबारा से यहाँ लिखा जाएगा और ऑपरेटर इसको सिंप्लीफाई करेगा और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास का बन आएगा। तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो उतना होगा थ्री एक्स स्क्वायर, यह आपका जवाब आएगा इसके हिसाब से, सही है। और ये बहुत ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पास ये है। बुक में जो सवाल आते हुए हैं, बुक के अंदर चैप्टर नंबर है डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जिसको आपको स्टडी करना है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है और तमाम चीज़ें करनी है, सही। कुछ सवाल जो है मैं चाह रहा हूँ करवाना आपको बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बुक हमारे पास जो है वो बुक का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस बाय बुक ने, ये इसका राइटर है, इसने ये बुक को जो है लिखा है हमारे पास, और ये आपको जो बुक आपके पास होनी चाहिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बुक के अंदर हम जो करने जा रहे हैं इस वक्त चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, और इसको मैं आपको बुक का टाइटल दिखा भी देता हूँ, ये लगती कैसी बुक आप देख सकते हैं, ये बुक हमारे पास इस तरह की बुक है, और इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15। अच्छा, एक्सरसाइज का जो नाम है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास इसका जो पहला सवाल है वो ये कहता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 x की पावर स्क्वायर, ये सवाल है। ओके, अब आप जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्टेप नंबर वन जो है वो क्या है, आपने दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिख देना है, ठीक है, उसके बाद ये वाई एज इट इज आएगा, उसके बाद थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, मगर क्योंकि थ्री कॉन्स्टेंट है तो वी कैन नॉट राइट थ्री ओवर हियर, वी हैव टू पुट इट ओवर हियर, हमें थ्री को जो है वो बाहर लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपके पास क्या हुआ स्टेप नंबर टू, इसमें आपने क्या कहना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या हुआ हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू, मैं कर्ली ब्रैकेट लिख रहा हूँ एक्स टू माइनस वन इंटरनल का डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पर इंटरनल का डेरिवेटिव एक्स का होगा, तो यानी ये एक्स डी अपॉन डी एक्स आपने दोबारा लिख दिया जो आंसर बढ़ती वन, जवाब आया हमारा थ्री, ये हो गया हमारे पास टू एक्स और यहाँ पर वन लिखा हुआ है वन टू दू थ्री टू एक्स और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आया सिक्स एक्स जो है हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आया डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो हमने ये सवाल क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आएंगे, किस तरह से होंगे यहाँ। अच्छा,
एक और चीज है इसके अंदर, पहले हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद उसकी लिमिट भी लगा लेंगे। सही है, लिमिट का लगाने से काफ़ी चीज़ें हमें आसान हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, और आप वो जो है घर से मुझे करके और आज मुझे भेजेंगे, ईमेल कर देंगे, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। इसमें आपको दोबारा समझा देता हूँ हो क्या रहा है, आपने क्या करना है। क्वेश्चन है हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये वन एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स जो है उसको हम वाई ही कहते हैं। हमने क्या किया, स्टेप वन में डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखना है आपको, यहाँ पर भी लिखना है यहाँ पर भी लिखना है। सवाल यह है, क्वेश्चन में वाई इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेप नंबर टू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा कि टू हमारे पास पहले आ जाए, ये जो टू है ये हमारा पहले आ जाए, ये आ गया टू, और टू में से निकालेंगे उनका डेरिवेटिव। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, टू एक्स टू माइनस वन यानी वन, और हमारे पास जवाब आएगा सिक्स एक्स। दिस वुड बी योर फाइनल रिजल्ट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ कि देना, ताकि आपको पता लगे कि इसको हम करेंगे कैसे। एक्सरसाइज 15.3 कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। सही, यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। अब ये दो क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, दो क्वेश्चन के अंदर कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आंसर्स क्या हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ लाइन लगा हूँ बीच में, ताकि दो सेपरेट पार्ट है। मैंने लिखा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फाइव पहले, फिर लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स लिखा, फिर मैंने लिखा एक्स टू पावर थ्री, और मैंने यहाँ ब्रैकेट बढ़ा दिया। सही, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है तो फाइव हमेशा डेरिवेटिव के बाहर ही आएगा। अब हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखने के बाद अभी फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री पावर माइनस वन, इंटरनल का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी एक्स, एंड योर आंसर वुड बी ये होगा 5 से 15 एक्स की पावर स्क्वायर, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सही, ये आपका आंसर हो गया, ये आपने आंसर निकाला। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री भी देख लेते हैं। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो गया टू एक्स टू माइनस वन, इंटरनल का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी एक्स डेट वुड बी वन, माइनस के टू डी एक्स अपॉन डी एक्स डी एक्स डी एक्स कर दिया, जवाब आ गया वन प्लस थ्री, ये ऑपरेटर के साथ अंदर नहीं आ सकता, तो आंसर इसका आएगा जीरो। सही, तो हमने क्या किया, इसका आंसर क्या है, जीरो आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस के टू प्लस के जीरो, ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ फॉर द प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15.3, तो आप ये आज की रात जो है मुझे ये करवा कर मुझे आप ईमेल कर दें, मेरी ईमेल एड्रेस जो है आपको ऑलरेडी पता है। और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। वन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, क्वेश्चन फोर है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास। ये पांच क्वेश्चंस हैं, इन पांच क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और ये हमें जो है प्रोवाइड था प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट फॉर्मूले हम जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।